हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल्स वी एस एजुकेशन हब। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में माय डियर एस्पिरेंट्स, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशंस लेके आया हूँ। जो भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर इंग्लिश में हमारे प्रॉब्लम्स आ रही है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हम कैसे करें इसके बारे राइट। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पीडीएफ मैंने तैयार किया है। टॉप 75 प्लस आपकी एडियम्स एंड फ्रेजेज हैं, बहुत अच्छी है, बिल्कुल एसबीआई क्लर्क प्री को ध्यान में रखते हुए सारी की सारी एडियम्स एंड फ्रेजेज है। ओके, तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने तैयार किया है। कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से आपको मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी की जानकारी आगे आपको मैं दूंगा। ओके, उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो पहले सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स। एंड अच्छा लगी, मेहनत अच्छी लगी, कुछ भी आपकी हेल्प कर पाऊँ तो लाइक बटन पर प्रेस करिएगा। इम्पोर्टेंट लगे तो औरों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले माय डियर एस्पिरेंट, एक बात मैं आपको विशेष तौर पर बता दूं, ये जो भी आपके 75 प्लस इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं राइट, आपके पास अभी समय है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 6 जुलाई है राइट, टुडे 6 जुलाई है। आपका एग्जाम पहला शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट फॉर डे 10 जुलाई का है, तो आपके पास अभी भी एक तरह से कहें ओनली फॉर, ये पूरा का पूरा वर्क है, 75 इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं, ओनली फॉर 1 घंटा राइट। 1 घंटा, चाहे आप प्रत्येक दिन 20 20 मिनट दें, 10 मिनट दें, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है राइट। आपको 1 घंटे में ये सारे के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेज याद हो जाने चाहिए राइट। डेली बेसिस पे रिविजन्स करिएगा, पीडीएफ आपके पास अवेलेबल रहेगा, उससे आप रिविजन्स कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मैं 75 प्लस इडियम्स एंड फ्रेजेज दिखा देता हूँ, एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि ये इस टाइप की है। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कैसे आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहली चीज तो यह बात ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का पैसा नहीं पे करना। मैंने जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेज तैयार की है, पीडीएफ बनाया है, आपकी एग्जाम्स में बहुत काम आएगी। ओके, तो चलते हैं सीधे डायरेक्ट पीडीएफ पे। सो गाइज, देखिए ये आपके टॉप 75 इडियम्स राइट। पहली चीज एक मैं आपको और बता दूं कि इस जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेज है, देखिए ये आपकी जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं, यह पर्टिकुलर, जैसे मैं कुछ द हिंदू न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ राइट, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ राइट, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, कोई भी कोई फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज पढ़ता हूँ, उसमें जो भी मेरे को इडियम्स एंड फ्रेजेस दिखती हैं, सभी का एक साथ मैं लिखते रहता हूँ, नोट डाउन करते रहता हूँ, पर्टिकुलर स्लाइड्स बनाते रहता हूँ राइट। तो अब मेरे को लगा कि हाँ, स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, सारी इडियम्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अच्छी इडियम्स मैंने नोट्स की है, एग्जाम्स में इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो प्लीज इनको एक बार रट लीजिएगा, बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ओके, मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको अच्छा कंटेंट देने की। ओके, जैसे टर्न ऑन स्टार्ट द प्रोसीजर, टर्न अप टू अपीयर समथिंग, उसी फॉर्मेट में मैंने नोट भी किया है ताकि एक चीज को एक साथ आप पढ़ेंगे ना, याद भी हो जाएगा। जैसे टर्न की जो भी आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं, सभी मैंने एक साथ कर दी है, ब्रेक की मैंने एक साथ कर दी है राइट। जो जो मेरे से बन सकता था, स्टूडेंट के लिए ईजी रह सकता था, वो चीजें मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दी है। और एसबीआई क्लर्क, क्लर्क का प्रीलिम्स का एग्जाम्स ध्यान रखिए, चाहे एसबीआई हो, चाहे आईबीपीएस हो, कोई भी एग्जाम्स हो राइट, प्रत्येक एग्जाम्स में एडियम्स एंड फ्रेजेस के 3 से 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं राइट। 2 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट पूछता है और 1 से 2 क्वेश्चंस आपको पैसेज फॉरवर्ड में देके उस पर्टिकुलर एडियम्स का पूछा जाता है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इनको आप रिवाइज करते रहिएगा, जब भी आपको समय मिले, पीडीएफ आपके पास रहेगा, आप रिविजन्स भी अच्छे से कर सकते हैं। ओके, सोर्सेज मैंने आपको बता दिया कि मैं जो भी था हिंदू का आर्टिकल्स हो गया, जो भी न्यूज पेपर्स पढ़ता हूँ, उनका कलेक्शंस मैं करते रहता हूँ राइट, इसके कारण ये सारी की सारी स्लाइड्स हैं राइट।
देखिए लुक का सारा, लुक फॉर लुक आफ्टर, राइट। ये आपका कोल्ड का कोल्ड ऑन, कोल्ड अप, कोल्ड अराउंड का मतलब क्या होता है, राइट। ये कट की सारी, कट एंड इंटरप्ट समथिंग, कट डाउन टू मेक फॉल टू ग्राउंड, राइट। कंज्यूम लेस, कट बैक ऑन, कोल्ड ऑन विजिट समबडी, कोल्ड अप टू फोन समवन, कॉल्ड ऑफ आप सभी को मालूम है, कॉल्ड ऑफ कैंसल समथिंग, राइट। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है आपको, इनके ऊपर एरर डिपेंड पे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। कॉल्ड ऑन की जगह कॉल्ड ऑफ दे दिया तो ये एक फ्रेज गलत हो जाएगी, राइट। इस टाइप से पूरे देख लीजिए, पहले हैव अ काउ कंफ्यूज्ड, फेयर एंड स्क्वेयर, हॉनेस्ट समथिंग, ईमानदार, फेयर एंड स्क्वेयर, राइट। ये आपके ग्लोब्स का गोन, ग्रो, गिव फोर्थ, पुट अप विथ, गिव अवे टू कोलैप्स समथिंग, राइट। सारी मैंने यहाँ पर दे दी है, ओके। शॉरअप, ब्रेक अ लेग, राइट। ब्रेक अ लेग जो बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है ब्रेक अ लेग, ये तो एग्जाम्स का पार्ट बन भी चुकी है। शॉरअप यानी कि रिइंफोर्समेंट, राइट, मजबूती से जिसको कह सकते हैं। टेक हाइट ऑफ इंक्रीज समथिंग बाय द बुक, स्ट्रिक्टली फॉलो रूल्स, राइट। ये सारी आपको कैसे रिवाइज होगी, जब आप डेली बेसिस पे इसको पढ़ेंगे, राइट। पीडीएफ निकाला, 5 मिनट मॉर्निंग के टाइम पे दे दिया, इतना इतना रात को सोते समय एक बार फिर आपने रिविजन्स कर लिया, गारंटी से आपको याद हो जाएगा। रट्टा मारने बैठोगे, अभी इतना समय भी नहीं है, रट्टा भी आप नहीं मार सकते, ओके। देखिए सारी की सारी एग्जाम्स में पूछी गई एडियम्स है, और बहुत अच्छी एडियम है ब्रिंग अप। देखिए ब्रिंग अप के रिलेटेड, ब्रिंग इन बहुत बार पूछी गई है। ब्रिंग अप, टू केयर समथिंग, ब्रिंग इन, टू इम्प्लीमेंट समथिंग, किसी चीज को अप्लाई करना, लागू करना। कम भाई ऑब्टेन एंड फाइंड समथिंग, किसी चीज को ढूंढना या फाइंड करना, राइट। राइट ऑफ, कैंसिल करना, कॉल्ड ऑफ कैंसिल करना, राइट। हेलबेंट अपॉन, राइट, मोटिवेटेड करना, किसी को एक तरह से मोटिवेटेड करना, दैट इज द हेलबेंट अपॉन, राइट। तो ये टोटल्स 81 है, 75 कहा था, 81 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपकी हो गई है, ओके। तो ये कंप्लीट पीडीएफ है, पूरे 81 इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। एग्जाम्स अगर आपका एसबीए क्लर्क का है तो उनसे पहले इस पीडीएफ को आप एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, और उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा जो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, राइट, इंग्लिश में मार्क्स कैसे लाएं, किस प्रकार से मार्क्स अपन ला सकते हैं, उन सभी के ऊपर, ओके। प्लीज आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, ओके। अब देखिए, अब आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पीडीएफ को। देखिए दो प्रकार हैं, जैसा कि मैं आप सभी को पता है जो रेगुलर सब्सक्राइबर है। पहला, मेरा टेलीग्राम चैनल्स का लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में है, वहां से ज्वाइन करके मैं वहां पर इसको शेयर कर दूंगा, ओके। वहां पर मैं इसको शेयर कर दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। अदरवाइज आपके पास कोई भी अपनी मेल आईडी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेल आईडी है जो डाल दीजिएगा, मैं आपको वहां पर सेंड कर दूंगा, ओके। दो ऑप्शन है आपके सामने, जो आपको अच्छा लगे भेज दीजिएगा और रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ओके। सेकेंड थिंग, इस पर्टिकुलर पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है। देखिए अभी रिसेंट में बहुत सारे पीडीएफ मैंने स्टूडेंट को दिए हैं, राइट, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, कुछ क्या, एक मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं जो पर्टिकुलर वैल्यू नहीं समझते कंटेंट की, मेहनत हार्ड वर्क को अप्रिशिएट भी नहीं करते। एक बात ध्यान रखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है ना, इसलिए आप ना तो इज्जत देते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, ना ही कोई अप्रिशिएट करते हैं, राइट। यही चीज मैं पैसे लगा कर देता, परचेज कर दे, फिर आप कितने अच्छे से पढ़ते, वही चीज है, बट पैसे यहाँ पर नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते, राइट। मैं आपके लिए कंटेंट दे रहा हूँ, प्लीज आप पढ़िए, अदर स्टूडेंट के साथ शेयर करिए। कंटेंट में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए कि सर ये हमारी प्रॉब्लम है, ओके। तो अच्छा लगा वीडियो, मेहनत अच्छी लगी तो इस लाइक बटन पे प्रेस जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। अगर एग्री करते हैं मेरी सारी बातों पे तो कमेंट बॉक्स में यस भी जरूर लिखिएगा, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आपके एग्जाम्स के लिए, ओके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।